नमस्ते प्रणाम। हम प्रवीण सिंह राजपूत, हमारे जितनी भोजपुरी परिवार है, भोजपुरी इंडस्ट्री है, समस्त हिंदुस्तान को प्रणाम करता हूं भैया। और आज एक बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि हमारे बड़े भाई संजय यादव जी का एक बहुत ही बेहतरीन चैनल एस फॉर यू रिलीज हो रहा है। तो मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि ये चैनल बहुत बड़ा हो। जी, हमारे बड़े भाई हैं, सुपर स्टार है, शुभ इंसान है, उनके हाथों से फीता कटेगी। फिर से मैं दुआ करूंगा कि जो फीता खेसारी भाई काटे वो चैनल बहुत बड़ा ब्रांड बने। मैंने आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूँ अलीशा अली खान और आज संजय यादव जी का, जो कि हमारे घर के ही है, कोई पढ़ाई नहीं है, तो उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं तो कम होगी क्योंकि वो हमारे घर के मेंबर है। और मैं ही चाहूँगी कि ये चैनल बहुत आगे जाए, बहुत तरक्की करे संजय जी, और मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। खेसारी जी लॉन्च करने वाले, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? खेसारी जी लॉन्च करेंगे, आएंगे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इतने बड़े स्टार है, वो आएंगे तो पूरा पार्टी का रौनक ही बदल जाएगा। सर आप क्या कहेंगे? सर बताइए सर। प्रिंस जी, कभी मौका मिला संजय जी के साथ काम करने का? नहीं, अभी तो शुरुआत हो रही है ना भैया, अभी शुरुआत हो रहा है, सारे लोग काम कर रहे हैं, उसमें मैं भी हूँ, वो बड़े भाई हैं, अपना काम करेंगे आगे चल के। सर आप बताइए क्या करते हैं इसके बारे में? सर और संजय भाई, अजय जी बताइए, हमसे पूछ रहे हैं। अजय सर आप सवाल कीजिए। सर आपकी शुभकामनाएं क्या रहेंगी संजय यादव जी के लिए? सबसे पहले तो हिंदुस्तान के दर्शकों को हम अपने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से सबको नमस्कार करते हैं, और अपने बड़े भाई संजय यादव को इस ओपनिंग पे एस फॉर यू के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देते हैं कि इनका चैनल बहुत टॉप पे जाए। सर आप प्लीज आप बताइए क्या करना चाहेंगे एस फॉर यू एंटरटेनमेंट के बारे में संजय जी के बारे में? सबसे पहले भोजपुरी समाज को, राहुल सिंगर एक्टिस्ट सभी को नमस्कार। और आज हमारे बीच में जो भी आज जैसे बी फॉर यू चैनल है, उस तरह मैं चाहता हूँ कि हमारा एस फॉर यू चैनल जो भोजपुरी का है, आज हम लोग एक्टर के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका लेकर आ रहे हैं, जो हर जगह हम लोग को जो आज रिलीजिंग के लिए हमारा मौका मिलता है, उस तरह से प्रोड्यूस से भी हमारा संजय भैया से योगदान रहेगी। और हम लोग एक्टर चाहते हैं कि बस कुछ ऐसा हमेशा कुछ मौका मिले, हमारे इंडस्ट्री में हमेशा भूचाल होते रहे। अभी आपके आने वाली क्या मूवी है जी? आपके आने वाले प्रिंस भैया सिनेमा हॉल खोल चुका है, नरसिम्हा कब रिलीज होगा? बहुत जल्द नरसिम्हा का सेंसर मिल गया, बहुत जल्द थिएटर में रिलीज होने जा रहे हैं। डेट नहीं बताएंगे लेकिन एक डेढ़ महीना के अंदर रिलीज होगी फिल्म। छठ पूजा आ रहा है, 10-15 दिन बचा है, आपको लगता है रिलीज होना चाहिए? बिल्कुल लगे हुए हैं लोग, देखिए बाकी भगवान है, लगे हैं हम लोग। क्या धमाका है नरसिम्हा में प्रिंस सिंह का? एक कमर्शियल फिल्म है, फुल एक्शन है, रोमांस है, गाने अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन है, कमर्शियल फिल्म बनी है। सर साउथ का टच दिया इसमें, मैंने देखा है, काफी अच्छा लगा मुझे। जी साउथ के बहुत लोग बोले, इसी वही नरसिम्हा का ट्रेलर देखे मैंने, साउथ की दो बड़ी फिल्में भी साइन किया, तो दर्शक हमारे प्यार दे रहे हैं, अच्छी बनी है, और भी फिल्में कई आ रही है। मेरा जी साजी जी के साथ अभी 3 फिल्में रिलीजिंग पे है, हम यार है तुम्हारे, रिश्ता जन्म जन्म का, तुम जो मिल गए, 3 बन के रेडी है, वो भी रिलीजिंग पे ही है सारी फिल्में। साउथ इंडस्ट्री में जाने वाले आप? हाँ, ऑलरेडी अनाउंस हो गया है, मेरा सब वर्क चल रहा है, पूरा राइटिंग पे 6 महीने से काम चल रहा है, मैं साउथ का कर रहा हूँ, हर चीज़ अनाउंस हो गया है, साइन हो गया हूँ। मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स से आखमी चोली और नरसंहार एंड और भी बहुत सारी प्रोजेक्ट्स है। हिंदी का एक फिल्म मैंने किया है जिसका नाम कोका है और वो ललिता नोवेल से रिलेटेड है। कोका कोका पिछले दिनों आप कुछ परेशान थे, वो बताएं दर्शकों को।